हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? जवान का टीज़र कब आने वाला है और कैसे शाहरुख खान सेलिब्रेशन कर रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से अपने 30 इयर्स इन इंडियन सिनेमा बाय गोइंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और क्या ये जो खबर चल रही है कि 25 जून को जैसे ही 30 साल पूरे होंगे शाहरुख खान के, उस टाइम पे क्या आपको कुछ देखने को मिल सकता है, कोई एसेट देखने को मिल सकता है, कोई मोशन पोस्टर या फिर कोई इस तरीके का टीज़र ट्रेलर कुछ देख सकता है क्या जवान का? तो उसका आंसर है कि ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का मेरे पीछे, इसको बड़ा गौर से मैंने पढ़ा और आप भी सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ रीच कर सकते हैं। और आपको ये दिखेगा इसके अंदर कि यार बहुत हद तक और बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से शाहरुख खान ने यह रिप्लाई किया है कि दिस मूवी इज़ वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज दिस इज़ एन एब्सोल्यूट मास जॉनर जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है अटली के साथ, एंड शी हैज़ अ ग्रेट इक्वेशन विद हिम, बट अभी कुछ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज ये बहुत ही अच्छा ग्रेट प्लेटफॉर्म था इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए व्हाइल ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यूसली वर्क रिलेंटलेसली विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड एंटरटेन अस, बट एट द सेम टाइम ही हैज़न्ट टॉक्ड अबाउट जवान और एनी अपकमिंग एसेट्स एज येट। ही इज़ अ मार्केटिंग गुरु, ही नोज दैट इंडियन एक्सप्रेस और इस तरीके की जो जर्नलिस्ट वाली वेबसाइट्स होती हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है। एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था ये बताने का कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है जवान का टीज़र या ट्रेलर या फिर मोशन पोस्टर या फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ अनाउंसमेंट या फिर कोई गाना, बट यहाँ पर कुछ भी आया नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटस ओकेजन है, तो कोई ना कोई एक जवान का नया पोस्टर विथ सम बैकग्राउंड म्यूज़िक जो थोड़ा सा मोशन पोस्टर के रूप में होगा हमें ज़रूर दिखेगा 25th को। क्या वो एसेट होगा? मुझे नहीं लगता वो टीज़र ट्रेलर होगा बिकॉज अगर अभी जून में आ जाएगा तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगस्त है और फिर कहीं सितंबर में जाके आ रहा है, तो 7th September है तो एक महीना एग्जैक्टली प्रमोशन होनी शुरू होनी चाहिए। तो 7th August इज़ अ बेटर डेट, अराउंड 7th August आई मीन टू से जो आपको यहाँ पर दिखेगा, या फिर 11th August को बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं थिएटर के अंदर। दैट इज़ द परफेक्ट टाइम जब आप थिएटर के अंदर जवान को रिलीज़ कर सकते हो, जब बहुत सारी ऑडियंस एनिमल और गदर देखने जाएगी, तो वो परफेक्ट डेट है, ना कि 25th को अगर किया तो मेरे को नहीं लगता कि उतना बड़ा वाइड ऑडियंस उसको इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा। वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, नॉट टू से दैट शाहरुख खान को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सोच के देखिए कि अप्रिसिएशन कम आ रहा है जब बड़े हॉल के ऊपर बड़े तरीके से तालियाँ बज रही हों। तो जो ये आदि पुरुष ये जो दो बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही हैं एनिमल और साथ ही साथ में गदर, जब ये लोग देखने जा रहे होंगे और थिएटर के अंदर लार्ज स्क्रीन के अंदर जो एक्सपीरियंस होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज़ द टीज़र ऑफ जवान? कमेंट बिलो। और आपकी शाहरुख खान की कौन सी सबसे फेवरेट मूवी रही है आज तक की? कमेंट बिलो। और एक और सवाल आपके साथ कि जो फिर से फेक न्यूज़ आज शुरू हो गई है कि जितना भी पठान का कलेक्शन आया था वो फेक आया था और 100 करोड़ की टिकटें तो आदित्य चोपड़ा ने खुद ही खरीद ली, तो बहुत ही ज़्यादा रेस ज़्यादा ऐसा होता तो नहीं है, बट आपको क्या लगता है कि ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ क्या होना चाहिए? बाय बाय।